वेलकम टू ऑसम अहमदाबाद सीजन 1 ब्रॉट टू यू बाय रेड एंड ब्लैक प्रोडक्शंस। मैं हूं कुशल शेठ, आपका प्राइमरी होस्ट, जो आपको इस कंप्लीट जर्नी पर लेकर जा रहा हूं। द सीरीज इज रिटन एंड डायरेक्टेड फॉर यूट्यूब बाय चिराग वाड़ा। एट फर्स्ट, अगर छोटा सा ब्रीफ देना हो इस सीरीज के बारे में, तो सीजन 1 इज ऑल सेट टू हैव 6 एपिसोड्स, जिसमें हम इस अमेजिंग शहर के बहुत सारी औसम जगहों में से कुछ को विजिट करने के साथ उनकी ब्रीफ हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, कल्चरल इन्फ्लुएंस और इम्पोर्टेंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और अब आपके समय और अटेंशन की रिस्पेक्ट करते हुए चलिए इस सफर को स्टार्ट करते हैं। अहमदाबाद, क्या है अहमदाबाद? वेल, गूगल के अनुसार इट इज अहमदाबाद इन वेस्टर्न इंडिया इज द लार्जेस्ट सिटी इन द स्टेट ऑफ गुजरात। साबरमती नदी यहाँ पे केंद्र से होकर गुजरती है, जिसके पश्चिमी तट पर गांधी आश्रम है, जो गांधी जी के घर और उनकी कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है। नदी के उस पार द केलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स, वंस अ क्लॉथ मर्चेंट्स मेंशन, हैज अ सिग्निफिकेंट कलेक्शन ऑफ एंटिक एंड मॉडर्न फैब्रिक्स। बट यू नो व्हाट, उन सभी चीजों को एक तरफ रखते हुए, मुझे गलत मत समझना, वो सब भी काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी हमारे पहले वाले सवाल का जवाब देने के लिए असमर्थ है। और वो सवाल था कि व्हाट इज अहमदाबाद, क्या है अहमदाबाद। बस इसी सवाल की मिस्ट्री को सोल्व करने के लिए आए हैं हम और आप एक साथ आने वाले कुछ हफ्तों के लिए एक बहुत ही एपिक, नॉलेजेबल और मजेदार जर्नी पर चलते हैं। सबसे पहले अगर शॉर्ट हिस्ट्री को जानने की कोशिश करें, तो अहमद शाह फर्स्ट, जो मुजफ्फरीद डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने 26 फरवरी 1411 को मानेक बुर्ज पर अहमदाबाद का फाउंडेशन किया। मानेक बुर्ज का नाम 15वीं सेंचुरी के एक हिंदू सेंट मानेकनाथ के नाम पर रखा गया था, क्योंकि उन्होंने भादरा फोर्ट को बनाने में अहमद शाह की मदद करी थी। बाद में 4 मार्च 1411 यानी कि उसी साल अहमदाबाद को नया कैपिटल बना दिया गया। कहानियों के मुताबिक अहमद शाह साबरमती के किनारों पर कैंपिंग कर रहे थे, तब उन्होंने वहां पर एक हेयर, जो एक रेबिट की तरह दिखने वाला एनिमल होता है, उसको एक खतरनाक कुत्ते के पीछे भागते हुए देखा। बाद में जब उन्होंने इस घटना के बारे में एक ऋषि से पूछा, तब उन्होंने बताया कि यहाँ की जमीन इस तरह की खास है, ऐसी यूनिक है, जिसने उस हेयर को इस तरह की क्वालिटी प्रोवाइड की है कि एक खतरनाक से कुत्ते का पीछा कर सके। इससे इम्प्रेस होकर उन्होंने बाद में इसी जगह को अपना नया कैपिटल एस्टैब्लिश करने का डिसीजन लिया। लेकिन देन अगेन, ये सारी तो सिर्फ एक कहानी है। बाद में अहमद शाह अपने खुद के और कुछ और लोगों के नाम के होनर में इस शहर का नाम अहमदाबाद रखते हैं, जिसे आज हम अहमदाबाद करके भी बुलाते हैं, स्पेशली गुजरात में। अहमद शाह फर्स्ट की मौत 1443 में होने के बाद उनके सबसे बड़े बेटे मुजउद्दीन मोहम्मद शाह को गुजरात सल्तनत का नया किंग बनाया जाता है। 1451 में उनकी मौत के बाद उनके बेटे कुतुबुद्दीन अहमद शाह सेकंड, जिनके 7 के रूल के बाद उनके अंकल दाऊद खान को किंग बनाया जाता है। लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के बाद ही उन्हें हटाकर फाथ खान, जो कि मोहम्मद शाह सेकंड के बेटे थे, उन्हें किंग बनाया जाता है। सक्सेशन के बाद वो अपना टाइटल बदलकर अब्बू अल फाथ मोहम्मद शाह रखते हैं, पर पॉपुलरली उन्हें मोहम्मद बेगड़ा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करें, तो करीब 1411 से 1572 तक गुजरात सल्तनत का रूल चलता है। उसके बाद 1572 में मुगल एम्परर अकबर गुजरात में एंटर करते हैं और अनहिलवाड़ पाटन को जीतते हैं। उसके बाद कई सारी और लड़ाइयाँ लड़ी जाती है गुजरात को जीतने के लिए, लेकिन अंत में मुगल रूल्स एस्टैब्लिश कर दिया जाता है, जो 1572 से 1707 तक चलता है। उसके बाद 1707 में औरंगजेब के शासन खत्म होने के बाद कुछ समय के लिए एक काइंड ऑफ पीरियड ऑफ डिसऑर्डर रहता है। मराठा एक एक्सपेडिशन भेजते हैं गुजरात की तरफ मुगल एम्परर की मौत की खबर सुनने के बाद। ये एक्सपेडिशन के कमांडर होते हैं बालाजी विश्वनाथ मराठा। काफी जीत हासिल करते हैं मुगल आर्मी के खिलाफ ऑन द रीजन ऑफ पंचमहल। इसके बाद आने वाले कुछ सालों तक बहुत से राइट्स और डिस्टर्बेंस देखे जाते हैं। करीब 1753 तक एक ज्वाइंट मुगल मराठा रूल रहता है।
गुजरात रीजन में उसके बाद कंप्लीट मराठा रूल एस्टैब्लिश किया जाता है जो लगभग 1758 से 1870 तक चलता है। उसके बाद ऑल इन ऑल टू द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947 ब्रिटिश कंपनी रूल और ब्रिटिश क्राउन रूल रहता है। और हाँ, अहमदाबाद को कर्णावती नाम से भी बुलाया जाता है। अहमदाबाद हमेशा से ही इम्पोर्टेंट सिटी रहा है। शहर को द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी बुलाया जाता है बिकॉज ऑफ द मैसिव टेक्सटाइल इंडस्ट्री। 1960 में गुजरात स्टेट का क्रिएशन होने के बाद से शहर में बहुत ही मेजर कंस्ट्रक्शन और पॉपुलेशन इंक्रीज के साथ एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक इंडस्ट्री के लिए एक राइजिंग सेंटर माना जाता है। इन्हीं सारे कारण की वजह से अहमदाबाद को गुजरात स्टेट का कल्चरल और कॉमर्शियल हार्ट कहा जा सकता है। सिटी ने एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है जिसमें BRTS और साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट को मेंशन करना तो बनता है। काकरिया लेक, सीधी सैयद जाली, जामा मस्जिद, रोजा ऑफ सरखेज जैसे हिस्टोरिकल जगहों के साथ गांधी आश्रम, अभय घाट, साइंस सिटी, वैष्णो देवी टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल, लोथल, स्टेपवेल ऑफ अडालज एंड अक्षरधाम टेम्पल जैसी जगह टूरिस्ट अट्रैक्शन में एक बड़ा पार्ट प्ले करती है। एंड नल सरोवर जहाँ पर हर साल पूरे सेंट्रल एशिया से माइग्रेटरी बर्ड्स ठंड के मौसम में आते हैं। एंड आखिर में वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो इस शहर को खास बनाती है वो है हम और आप और हर वो व्यक्ति जो हमारे शहर को लेकर प्राउड फील करता है क्योंकि वही है असली अहमदाबाद। हमेशा से वही था और आने वाले वक्त में भी वही रहेगा। एंड दैट्स इट, ये है अहमदाबाद। हम जानते हैं अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में बात हो सकती है और डेफिनेटली करनी भी चाहिए और ये सीरीज इसी के बारे में ही तो है। इस पहले सीजन में हम बहुत सी जगहों के बारे में मिलकर जानेंगे, उन्हें एक्सप्लोर करेंगे। पर अभी के लिए मैं हूँ कुशल सेठ, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वेनसडे को सेम टाइम एपिसोड 2 के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। सी यू सून।